फिर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात कालू की एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था। तभी आधी रात को उसे बादलों की बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे चार दिनों तक वो बारिश ऐसी ही होती रही और पूरा जंगल बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से पक्षियों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में कालू वो पक्षी था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई कालू की तारीफ कर रहा था। और फिर अजी सुनते हो? हाँ, क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या, सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। बुलबुल बता रही थी कि बाकी परिवार तो सही समय पर निकल गया, लेकिन सरपंच जी घर के अंदर फंस गए हैं। इतना सुनते ही कालू ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था। लेकिन कालू फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच को अपनी नाव में बिठाकर बाहर निकाल लाया। कुछ दिन बाद जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो कालू ने सरपंच से कहा, सरपंच जी अब रास्ते खुल गए तो कचहरी चले। बस करो कालू, मेरी आंखें खुल गई है भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहाँ और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर कालू और टुनटुनी खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने कड़कनाथ सरपंच के मन में चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। वो एक मजदूर था। दिन भर काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराबी उड़ा दिया करता था। एक दिन शराब पीकर जब वो घर आया तब टुनटुनी उससे कहती है, क्यों जी, कल तो तुमने कहा था कि तुम शराब को भाग भी नहीं लगाओगे, लेकिन आज फिर से पीकर आ गए। तुम्हारी एक बेटी भी है, कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा है? जब सुनहरी पैदा हुई थी तब हमने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए, तुम्हें पता है? अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 91x4 कितने होते हैं। कालू कौवा टुनटुनी की बातों का अनसुना कर देता है और सो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर टुनटुनी एक और बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी की छोटी बेटी पिंकी भूख से बिलख रही थी। कालू जी, अपनी बिटिया बहुत देर से रो रही है, उसके लिए बाजार से थोड़ा दूध ला दो। कालू कौवा बाजार से दूध लाकर टुनटुनी को देता है और उससे कहता है, टुनटुनी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोग दिल्ली चले, वहाँ जाकर मैं कोई काम धंधा करूँगा और अपने दोस्तों से भी दूर रहूँगा तो मेरी शराब की लत भी छूट जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के चले जाने के बाद घर की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर टुनटुनी, मैं कोई ग्राहक देखकर अपने दिल्ली जाने से पहले इस घर को बेच दूंगा। ठीक है जी, अगर आपका यही विचार है तो मैं इस पे कोई दखल नहीं दूंगी, तुम घर को बेच दो। इस तरह कालू अपना घर बेच देता है और टुनटुनी के साथ अपनी बेटियों को लेकर दिल्ली पहुंचता है। तुम लोगों को भूख लगी होगी, यहीं बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी और बेटियों को वहीं छोड़कर भोजन लेने के लिए चला जाता है। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटता तब टुनटुनी सोचती है, ऐसा लगता है वो हम लोगों को छोड़कर भाग गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी फूल सी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, सारा पैसा उन्होंने अपने पास ही रखा था। मैंने तो अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा।
टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से बिलख रही थी। ये सब टुनटुनी से देखा नहीं जा रहा था। वो एक यात्री पक्षी के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठाकर ट्रेन में रख दूँ? टुनटुनी उस यात्री पक्षी का सामान ट्रेन में पहुंचा देती है और उसे 10 रुपए मिलते हैं। पैसे लेकर वो अपनी बेटियों के लिए समोसे खरीद कर लाती है। ये लो मेरी बच्चियों, इन समोसों को खा लो और यहाँ पर बैठना। मैं आज से स्टेशन पर कुली का काम करूँगी और तुम दोनों को पालूंगी। मम्मा, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप कल फिर से इसे लेकर आना। नहीं पिंकी बेटा, रोज रोज समोसे खाना अच्छी बात नहीं। मैं कल से तुम लोगों के लिए भोजन बना दूंगी। चलो तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। बेटा सुनहरी, तुम बड़ी हो, तुम पिंकी का ध्यान रखना और यहाँ किसी बच्ची से ज्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। ये शहर भी नया है और ये जगह भी, और अगर तुम्हारे पापा आ जाए तो उन्हें बिठा कर यहाँ रखना और उनके साथ इधर उधर मत जाना। टुनटुनी अपनी बेटियों को समझाकर रेलवे स्टेशन से चली जाती है। 2-4 दिन बाद वो एक पेड़ पर अपना घोंसला भी बना लेती है और उसी में अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी को ढूंढते हुए कौवा पुलिस आती है और उसे बताती है। कालू तुम्हारा कौन था? जी, वो मेरे पति थे। हम गाँव से अपना घर बेच कर शहर में काम की तलाश में आए थे। अच्छा, हमें यह बताते हुए बड़ा दुख है कि उनकी मौत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई DTC बस से हो गई है। उनके पास ये कुछ पैसे मिले थे जो हम आपको लौटाने आए हैं। टुनटुनी उन पैसों को ले लेती है और उसे कालू के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या, इसलिए वो कुली का काम करके बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है।